भाई आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे इस चैनल पर हर सप्ताह में 70 से 80 सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं। कभी कल तो भाई 100 से भी एबव हो जाता है, कभी कल भाई 50+ होता है। तो भाई कैसे कैसे मैंने आखिर अपने चैनल पर हर वीक में 100, 150, 60 सब्सक्राइबर को मैं इंक्रीज कर पाता हूँ, मैंने कौन सा ट्रिक मैंने यूज किया। और भाई पहले मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं करते थे, तो भाई मैंने आखिर ऐसा कौन सा ट्रिक लगाया, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग भी यूट्यूब पर नए हो भाई, तो आपके चैनल पर जो है ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, उस ट्रिक को अगर आप लोग यूज करोगे ना भाई, तो आप डेफिनेटली आप अपने चैनल पर देखना कि भाई आपके चैनल पे जो है ना वीकली के 50, 60, 100 सब्सक्राइबर जो है ना आसानी से इंक्रीज हो पाएंगे, बशर्ते आपको इस दो ट्रिक को अपने चैनल पर अप्लाई करना है, जो कि मैं खुद ही करता हूं और बहुत सारे भाई लोग जो है ना अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं भाई, और जेन्युइन सब्सक्राइबर लोगों को मिलता है। तो भाई यार कौन सा ट्रिक है, इस वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और समझिएगा, और उसी ट्रिक को आपको अपने चैनल पर अप्लाई करना है। और अगर आप लोग भाई अप्लाई करोगे ना भाई, तो डेफिनेटली देखना आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं भाई। आप लोग वीडियो को फोज करके या फिर अगर आप लोग वीडियो को स्क्रॉल करके देखोगे भाई, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखना और समझना, उसके बाद में अपने चैनल पर इस ट्रिक को अप्लाई करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहां पे हम लोग नंबर वन ट्रिक की बात करें, तो देखो आप लोग YouTube पर आते हो, आपके पास में सब्सक्राइबर बेस नहीं होते हैं, आप लोग YouTube पर नए होते हो, आपके पास में कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होता, इसलिए आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे भाई, तो भाई आपके वीडियो को देखने के लिए कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो अब आपको इसमें एक ट्रिक कौन सा लगाना है, आपको पहला ट्रिक आपको क्या लगाना है ना, कि भाई आपको अपने वीडियो में SEO करना है। SEO का प्रॉब्लम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं भाई। इससे होता क्या है ना कि आपके वीडियो सर्च में आते हैं, और वीडियो को सर्च में लाने के लिए आपको क्या करना होगा ना, अच्छा से टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन भाई यहां पे आपको किस तरह के कंटेंट बनाना होगा, कैसा वीडियो बनाना होगा जिसका सर्च जो है ना बहुत ही ज्यादा है। तो भाई अब आपको क्या करना है ना, कि जैसे कि आपको ऑडियंस रिक्वायरमेंट आपको समझना है, और आपको क्या करना है ना कि आपको ऑडियंस का जो नीड है ना, उसी को आपको देखते हुए आपको वीडियो बनाना है, कि लोग आखिर यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं भाई, इतना तो दिमाग आपको लगाना होगा। मैं आपको बता दिया कि भाई आपको क्या करना है ना, कि अपने चैनल पर सर्चिंग वाला आपको वीडियो अपलोड करना है, जैसे कि भाई जीमेल अकाउंट कैसे बनाए, यूट्यूब पर नया चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें। आप लोग भी सर्च करके ही आप लोग देख के उसके बाद में सीख के आप लोग यूट्यूब पर चैनल बनाए होंगे ना, इसी तरह से आपको वीडियो को बनाना है। और भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो भाई आपको इसी तरह से क्या करना है, आपको वीडियो को बनाना है भाई। ये पहला आपको जो है ना ट्रिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और भाई आपको इस तरह के वीडियो बनाकर आपको अच्छे से SEO करना है, यानी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से लिखना है। नहीं लिखना आता भाई तो कमेंट कर सकते हो, मैं भाई उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और जो भाई वीडियो आप देख कर भाई आप अच्छा अपने वीडियो में अच्छा से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन आप लिख पाओगे, ठीक है। आप लोग कॉमेंट करोगे तो भाई मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको दूसरा ट्रिक क्या लगाना है भाई, दूसरा ट्रिक अगर आप लोग लगाते हो ना भाई, तो डेफिनेटली आपके चैनल पर भाई डेली के जो है ना 50, डेली के नहीं बोलेंगे भाई, वीक के जो है ना कि 50, 60, 100, 200, 300 इस तरह सब्सक्राइबर जो है आपके चैनल पर इंक्रीज होने लगेंगे, जो कि मेरे चैनल पर भी भाई होता है। तो कौन सा ट्रिक लगाना है भाई, आपको वैल्यूएबल कॉन्टेंट को बनाना है, जैसे कि भाई किसी भी इंसान का आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, प्रॉब्लम को क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मान लो कि यूट्यूब पर लोग जाकर सर्च करते हैं कि भाई थंबनेल कैसे बनाए, तो भाई अब आपको क्या करना है ना कि थंबनेल बनाने के लिए सिखाना है अपने वीडियो के अंदर। इस तरह से अगर आप वीडियो बनाओगे ना भाई, तो लोग आपके वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे, अगर उनको आपको वीडियो अच्छा लगेगा भाई, तो वे लोग क्या करेंगे भाई, आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके वीडियो को लाइक भी करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो आखिर लोग जो है ना थंबनेल बनाना होता है, उनको नहीं आता है, तो लोग क्या करते हैं, जाके यूट्यूब के सर्च बार में आ जाकर सर्च करते हैं कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए। तो भाई वहां पे अगर आप अच्छे से अपने वीडियो में टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को लिखे होंगे, तो आपका वीडियो जो है ना सजेशन भी दिखाया जाएगा और सर्च लिस्ट में आपके वीडियो आएंगे, और जो भी इंसान को अगर नीड है उस वीडियो का, तो वो इंसान उस वीडियो को प्ले करेंगे, देखेंगे, और भाई आपके वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइबर, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो भाई इस दो तरीका को आपको फॉलो करना है अपने नए चैनल पे सब्सक्राइबर पाने के लिए भाई। डेफिनेटली आप इस दो तरीका को आप ट्राई करो, और अगर आपको सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे ना भाई, तो आप डेफिनेटली आगे मेरे को आप सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आप गाली भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपको यूट्यूब पर जो लोग बोलते हैं ना कि शॉर्टकट इस तरह से आप सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हो, भाई फ्रॉड है।
वे सब्सक्राइबर आपको जो है ना फ्रॉड में मिलते हैं, आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा। और भाई मैं भी भाई बर्बाद हो चुका था, तो भाई इस तरह से आप मत करना। आप जेन्युइन काम करो, आप ऐसा काम करो कि लोग आपको खुद सपोर्ट करें। आप इस दो तरीका को भाई फॉलो करना, डेफिनेटली आपका देखना कि आपके चैनल पर भाई वीकली के 150-200-250-60 सब्सक्राइबर इंक्रीज जरूर होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हो या फिर कॉमेंट में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप छोड़ सकते हो भाई, मैं क्विकली रिस्पॉन्स दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिए।